कैसे हैं, आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो अभी हम आए हैं अपने खेत पे, तो अभी हमारे खेत में जो है बिया गिरा दिया है, तो ये देख सकते हैं ये वाला खेत में यहाँ और उधर बिया गिरा दिया है, तो अभी गाछ नहीं आया है। और इधर एक चास करके जोत भी दिया है, तो इधर देख सकते हैं जो जोता हुआ खेत है वो हमारा खेत है। तो अभी मकई तो कट गया है, अभी एक डेढ़ लगभग 20-25 दिन के बाद धान लगेंगे, तो उसके लिए पहले बिया गिराया जाता है। तो हमारा खेत में अभी हम दिखा देते हैं कि हमारा खेत में अभी दो किस्म का धान लगाया है, बिया जो गिराया है, एक है BB11 और 11 और दूसरा है नया धान है कोई, तो वो अभी हमारा नाम पता नहीं है। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए और आपको दिखाते हैं। हमारे पड़ोसी में भी जो बिया गिराया है उसका गाछ आ गया है, बड़ा बड़ा है। तो अभी हमारा अभी यही इतना सा ही है और देख सकते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, रुके नज़दीक करके दिखाते हैं। ये देखिए ये जो धान है खेत में, तो ये अभी पूरा इसी तरह से गिराया हुआ है, क्योंकि बारिश बंद हो गया था तो इसीलिए सोचा जल्दी से गिरा देते हैं। अभी जस्ट बारिश शुरू होने वाला है तो बिया हो जाएगा, तो फिर धान रोपनी शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग आए थे अपना धान का बिया खेत देखने के लिए, तो सोचे आप लोग को भी दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग आए थे अपना खेत देखने के लिए, देखिए हमारा खेत जो है इस तरफ है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और थोड़ा मोड़ा सोचे और आप लोगों को भी घुमा देते हैं। तो देखिए अभी पूरा इधर जितना भी बाद है सारा जो है वो पड़ती है, कुछ खेत जोता दिया है ताकि कि बारिश आएगा उसके बाद कादो करना शुरू हो जाएगा, फिर रोपनी स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा खेत है, तो इसको अभी जोत के तैयार करके रखा है, जैसे ही बारिश आया उसके बाद फिर कादो करना शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए अभी बहुत सारा खेत जो है वो रोपनी के लिए तैयारी आधा करके रखा है, जैसे ही बारिश होगा तो। और हम आपको दिखाएंगे बगल वाला खेत, और हमारे खेत के जस्ट बगल में एक पोखर है जिसमें कि मखाना लगाया हुआ है। अब देख सकते हैं इधर देखिए मखाना है, ये अभी नहीं हुआ है पर होने वाला है। देखिए मखाना कितना सुंदर है, मखाना के बीच में देखिए वह घास है, उसको घास कहते हैं, पर वो जंगल है वहाँ पे शायद पानी नहीं है, ठीक है। देखिए अच्छा लगता है देखने में कि बीच में घास है और फिर मखाना भी है। और इधर देखिए हमारे बाजू में जो इसको मनिजरा भी बोलते हैं, राठा भी बोलते हैं और सब बहुत सारा नाम है, ये जो है हमारे खेत के जस्ट बगल में पोखर है, वो उधर दिखाते हैं, वो हमारा खेत है जो भैंस है ना उस खेत, वो वाला मेरा खेत है, उसके जस्ट बगल में ये पोखर है। पोखर में देखिए मखाना का पेड़ गाछ लगाया हुआ है देखिए, और बीच में घास है, और इधर मनिजर है, राठा बोलते हैं, मनिजरा बोलते हैं और सब चीज़ है। और हमारा जो खेत है ना वो आपको पहले भी बताए थे हम पहला वीडियो में कि हमारा जो खेत है वो 4 लाइन के बगल में है, जो आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने वाला वो कचरा का घर है, जैसे कि गांव से कचरा में कचरा आता है गांव से लेके और फिर उसी में रखता है जमा करके। तो अभी हमारे गांव में कुछ कुछ सुविधा आ गए हैं, तो अभी और बने रहिए, आपको हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे बगल में जो बिरार है वो देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है, ये 10 दिन में लगभग 10 दिन में ये देखिए रोपनी स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो ये अभी हमारा पड़ोसी का खेत है, यहाँ पे 2-3 खेत है, देखिए कितना हरा हरा सुंदर सा बिरार हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।